भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं एनविटी मल्टी क्रॉप ग्राउंड थ्रेशर के बारे में। हमारे साथ किसान भाई मौजूद है, ये कहाँ से आए हैं, उन्होंने इन मशीन कहाँ से खरीदी, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो का पूरा जरूर देखिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले सर ये बताइए, आप कहाँ से आए हो? MP बूढ़ा गाँव जिला मंदसौर। तो ये मशीन कहाँ से खरीदी आपने? ये खरीदी अपने राम एग्रो केकड़ी। हाँ, केकड़ी से। तो ये मशीन कहाँ देखी है आपने? YouTube पे। और इस मशीन को चलते हुए देखा आपने? नहीं, देखा है। देखा है, देखा। कैसा है इसका रिजल्ट? बहुत एक नंबर रिजल्ट है इसका। तो किसान भाई, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो किसान भाई आए हुए हैं वो मंदसौर जिले से आए हुए हैं। किसान भाई, आप देख, इन्होंने ये मशीन खरीदी है राम एग्रो केकड़ी, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। और ये किसान भाई यूट्यूब के माध्यम से फ़ोन करके इन्होंने मशीन यहाँ नीमच के अंदर इन्होंने मशीन खरीदी है। तो किसान भाई, ये वीडियो आपको इस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं कि ये किस प्रकार काम करेगी, ये कौन सा मॉडल है। तो हम दिखाने वाले हैं आपको कि ये है बैक टोकरी मॉडल। किसान भाई, दिखाते हैं आपको ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर के अंदर एक ऐसा मॉडल जो कंपनी ने लॉन्च किया है, वो किया है बैक टोकरी ग्राउंडनट थ्रेसर के अंदर। इसमें आप देख सकते हो कि जो किसान भाई मूंगफली निकालते हैं, तो इसमें आपको जो मूंगफली डालनी है वो पीछे टोकरी के अंदर डालनी है। इसके अलावा एंटिक पिक्चर की बात करें, इसमें एक रिवर्स गियर भी लगाया हुआ है। रिवर्स गियर से ये फ़ायदा होगा आपको कि कभी चारा ज़्यादा लगने के कारण जो रोटर जाम हो जाते हैं, तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो और फॉरवर्ड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो रोलर के ऊपर जो चेन लगी हुई है, डुप्लेक्स चेन बोलते हैं इसे, डुप्लेक्स चेन कंपनी ने इसके अंदर लगाई हुई है, ताकि चेन उतरने की और माल छोड़ने की जो समस्या आती है वो समस्या किसान भाई को कभी नहीं आए। इसके अलावा जो धूल मिट्टी मूंगफली में बहुत ज़्यादा होती है, तो किसान भाई इसमें एक धूल मिट्टी को दूर करने के लिए कंपनी ने अलग से एक पंखा लगाया हुआ है, ताकि जो धूल मिट्टी मूंगफली में उड़ती है वो इस पंखे के माध्यम से इस हवा को एक साइड में कर देती है और किसान भाइयों के चेहरे पे धूल मिट्टी नहीं आती है। आगे अगर अपन आते हैं तो मूंगफली के अंदर जो साइड टोकरी मॉडल आता है, उसमें नीचे एक मोटर कभी नहीं आती, केवल आगे वाली पुल्लियाँ आती है। तो कंपनी ने बैक टोकरी के अंदर एक नीचे मोटर लगाई हुई है, ताकि उस मोटर के माध्यम से ट्रैक्टर पर सबसे कम लोड आए, और एवरेज की भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली किसान भाई को निकाल के दें। इसके अलावा इस मशीन के अंदर ये ख्वाहिशित है कि ये बीच में ये अपनी मूंगफली को छानेगी और एक साइड के अंदर ये मूंगफली आ जाएगी। बात करेंगे कि ये मशीन इस तरह से हिलेगी, जिससे जो मूंगफली होगी वो नीचे आके इस एलिवेटर के माध्यम से किसान भाई इसको ट्रॉली के अंदर डाल सकता है। और अगर मिट्टी की बात करें तो एक मिट्टी निकलने का इस साइड के अंदर है, और दूसरा मिट्टी निकलने का जो पीछे की साइड में जो गारा आती है, उसके लिए भी कंपनी ने अलग से एक सिस्टम लगाया हुआ, जिससे गारा पूरा नीचे साइड में आ जाएगा। आगे आ जाते हैं, अपन एलिवेटर की बात करते हैं। तो किसान भाई, जो एलिवेटर आप देख रहे हो, इस एलिवेटर के माध्यम से किसान भाई अपने माल को ट्रॉली में डाल सकता है। और रास्ते के अंदर किसान कहते हैं कि सर हमारे जो एलिवेटर है थोड़ा उसको फोल्डिंग बनाओ, तो उसके लिए हमने एक अलग से सिस्टम किया हुआ है। इसमें हमने अलग से सिस्टम किया कि इसको हमने फोल्डिंग बनाया हुआ है, ये यहाँ पे कब्जे लगे हुए हैं, जिससे ये जो सिस्टम है पूरा ये वन साइड हो जाएगा और रास्ते के अंदर किसान भाइयों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा व्हील की बात करें तो इस मशीन के अंदर तीन व्हील आएंगे, दो व्हील इसमें पीछे लगे हुए हैं और एक व्हील इसमें आगे लगाया हुआ है। किसान भाइयों, तीन व्हील होने की वजह से इस मशीन के अंदर ट्रैक्टर लोड फ्री चलने वाला है। मात्र 35 HP का ट्रैक्टर के ऊपर ये मशीन आप ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर पर बात करें, अलग से अगर आपकी जो मूंगफली होती है वो नीचे गिर जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसको आप खोल सकते हो और जो आपकी मूंगफली है उसको डायरेक्ट आप यहाँ से उसको क्लीनिंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये अलग से एक फीचर बनाया हुआ है, ताकि जो मूंगफली नीचे गिर जाती है उसको साफ करने के लिए अलग से एक सिस्टम दिया हुआ है। आगे आते हैं, तो अगर किसान भाई चाहें इस एलिवेटर को अगर काम में नहीं लेना है, तो आप नीचे परात रख के भी अपने माल को इसमें बोरियों के अंदर भर सकते हो। आगे आ जाते हैं अपन, तो इसको कंपनी ने नाम दिया है कि इसमें डबल सापट बोलते हैं किसान भाइयों को, कंपनी वाले की ये डबल सापट मॉडल है। वो ऐसा है, इसमें आगे पुल्ली होने के बावजूद पीछे एक पुल्ली और लगाई हुई है, ताकि जो ऊपर गेयरबॉक्स लगाया हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए सिस्टम इसमें किया हुआ है। किसान भाइयों, ऑल ओवर ये मशीन कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मॉडल को निकाला हुआ है। 2024 के अंदर नए बदलाव के साथ एनविटी ग्राउंडनट बैक टोकरी मॉडल आपको मिलने वाला है, और ये मशीन मिलेगी आपको राम एग्रो केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान के अंदर। और एक ब्रांच की बात करें अपन तो राम एग्रो निवाई जिला टोंक के अंदर भी इस कंपनी की एक ब्रांच है। उसके नज़दीक से अगर आप हो तो निवाई आप आ सकते हो, मशीन देख सकते हो और ये मशीन बुक करवा सकते हो।
घर बैठे भी अगर ये मशीन आप मंगवाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हो उस पर आप कॉल कर सकते हो और घर बैठे मशीन मंगवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने ये मशीन मंदसौर के अंदर अभी अपने डिलीवरी की है, किसान भाई ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं और हमने इस किसान भाई को मशीन दी है। तो किसान भाई आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।